नमस्कार, बीकाना एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं खबरों के साथ किरण राजपूत। गजसिंहपुर रेलवे संघर्ष समिति ने गांधी पूर्वक तरीके से 12 से 2 बजे तक सांकेतिक धरना दिया। यह धरना अपनी मांगों को लेकर दिया गया। डॉक्टर भूपेंद्र प्रताप शर्मा व हरदोई लाल गिरधरे के सानिध्य में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने धरना दिया। आज मंडी गैसिंगपुर में रेल संघर्ष समिति द्वारा धरना लगाया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी अरसे से ये डिमांड की जा रही है, जैसे पहले हमारी गाड़ियां चल रही थी छोटी लाइन वाली, उस प्रकार गाड़ियां चले वही टाइम टेबल हो। और आजकल जो है संख्या भी यात्रियों की बढ़ चुकी है, डब्बे जो हैं वो जो है आगे से कम हो गए हैं, हमारी को सुनाई नहीं हो रही, इसलिए बार बार धरना लगाया जा रहा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी जो ये समस्या है हल करने के लिए एमपी साहब और रेल मंडल प्रबंधक बीकानेर वाले हमारी सुनवाई करेंगे और हमारी बातों को सुन करके उस पर अमल करेंगे, ताकि जनता की तकलीफों को देखते हुए रेल वाली गाड़ी जो यहाँ से जा रही है, इलाका सिख बहुल्य है यहाँ पर, उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। गाड़ी जो है बाकी जगह जब रुकती है तो गैसिंगपुर में क्यों नहीं रुकती है, बहुत पुराना स्टेशन है, गंगा सिंह जी महाराज का बसाया हुआ है। यहाँ पर हर ट्रेन जो है 5-5, 7-7 मिनट छोटी गाड़ी रुका करती थी, आराम से चाय पानी पी के लोग जाते थे। अगर आप यहाँ 1 मिनट का टाइम है फिर वो वहाँ पर खड़ी नहीं होती है। इस प्रकार हमें इसके बाद रोष है और ये रोष व्यक्त करते रहेंगे, बार बार धरना देते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। इससे पहले धरना दिया बताइए, इससे पहले कितने बार दिया है? 8-10 बार। इससे पहले 8-10 बार धरना लगाया गया है। बीकानेर भी पहुँचे हैं, वहाँ पर मीटिंग में हिस्सा लिया है, वहाँ पर लिख के भी दिया उनको और कोई सुनाई नहीं हो रही है। ट्रेन यहाँ गजसिंहपुर से गंगा के लिए जो थी वो उसका रूट जो चेंज किया जा रहा है, गंगा से चलती थी उसका अनुभव कर रहे हैं, उस ट्रेन को वापस यहीं से चलाया जाए, उसको रूट ना चेंज किया जाए, वहाँ नई ट्रेन दी जाए। हमारा प्लेटफार्म जो 2 नंबर प्लेटफार्म है वो नीचे है, उसको ऊंचा उठाया जाए, और जो नांदेड़ साहब की ट्रेन यहाँ रुकती नहीं है उसको हमें सुविधा दी जाए, यहाँ रुके और यहाँ के पैसेंजर्स को उसकी सुविधा मिले, क्योंकि यह पंजाबी बेल्ट है और पंजाबी बेल्ट में सिख बेल्ट विशेष करके नांदेड़ साहब से ज़्यादा वो लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए उनकी ये हमारी ये डिमांड है कि उन लोगों को ये सुविधा मिले और नांदेड़ साहब वाली ट्रेन यहाँ रुके, प्लेटफार्म ऊंचा हो और हमारी जो ट्रेन हमें मिल रही है उसमें कोई कटौती ना की जाए, बढ़ोतरी की जाए। गंगानगर स्टेशन से आए हैं, हम हर स्टेशन पर ये देखते जा रहे हैं कि कहीं मतलब अशांति से कोई काम ना हो, जो भी है शांतिपूर्वक हो और जो भी अपनी मांग है थ्रो प्रॉपर चैनल सिस्टम से। यहाँ आपको शांति मिली पूरी? हाँ, हर जगह स्टेशन पर शांति अच्छी है, सौभाग्य की बात है राजस्थान में ऐसा थोड़ा थोड़ी मेरे इलाके में नहीं है और शांतिपूर्वक काम चल रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय नैतिकता दिवस पर जोधपुर के 15 स्कूल के विद्यार्थी व शिक्षकों को नैतिकता की शपथ दिलवाई। अध्याय के अध्यक्ष प्रियंका सैन ने बताया कि हर साल 2 फरवरी को JCI इंडिया पूरे भारत में शपथ दिलवाती है। वह एक बेहतर इंसान, भारत का जिम्मेदार नागरिक बनाने का प्रयास करती है ताकि हम अपने देश को एक नई ऊंचाई तक ले जा पाए व देश के गौरव को बढ़ा सके। जॉन डायरेक्टर प्रोग्राम रवि छगनी, सचिव पूजा जोशी, आकांक्षा माथुर, मुस्कान गहलोत, प्रियंका दवे जैसे विभिन्न स्कूलों में शपथ दिलवाई। इस मौके पर जॉन वी राजस्थान के प्रेसिडेंट अंशु सरफा भी मौजूद थे। उन्होंने युवाओं को सच, ईमानदारी व निष्ठा से अपना नैतिक धर्म निभाने के लिए प्रेरित किया। एनी टेम्पटेशन टू कमिट एनी एक्ट ऑफ चीटिंग, लाइंग और स्टीलिंग, टू एक्सेप्ट द लाइफ लॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी